नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय है नॉर्थ फेसिंग पेंट शॉप। आप अपनी नई पेंट की दुकान ओपन करने जा रहे हैं तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार पेंट की दुकान में सीटिंग और सेटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए। जब भी कोई भी व्यक्ति कोई भी काम चालू करता है, चाहे अपनी दुकान ओपन करता है, चाहे अपना शोरूम ओपन करता है या कोई फैक्ट्री लगाता है, तो उसमें उसका सेटअप करने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं और लाखों रुपए का माल उसके अंदर भरना भी पड़ता है। इतना पैसा लगाने के बाद आदमी उम्मीद करता है कि मेरे को कुछ प्राप्ति ज़रूर हो। हर आदमी के ख्वाब बड़े होते हैं और हर आदमी यही चाहता है कि मैं अपना काम बड़े लेवल पर करूँ। लेकिन बड़े लेवल पर करने के लिए वर्किंग चाहिए। हर व्यक्ति अपने काम के लिए अपनी दुकान पे, अपने शोरूम पे सुबह से लेकर रात तक पूरा समय भी देता है, पैसा भी लगाता है, और उस व्यक्ति का काम अच्छा नहीं चलता तो उस व्यक्ति की हिम्मत टूट जाती है। आज मैं आपको नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी पेंट की शॉप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैंने बहुत सारी वीडियो अलग अलग विषयों पर बनाई हुई है, उसमें रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है और इंडस्ट्रियल भी है। आपका काम चाहे जो भी है, आप जो भी काम करते हैं, चाहे आपकी गारमेंट की शॉप है, चाहे आपका पेंट का काम है, चाहे आपकी स्टेशनरी शॉप है, या आप जो भी काम करते हैं उसमें आप वास्तुशास्त्र का ध्यान रख के अपने काम का सेटअप सही करते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही वर्किंग अच्छी रहेगी, आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। आज जो मैं आपको सेटअप बताने जा रहा हूँ वो है नॉर्थ फेसिंग पेंट शॉप। आप अपनी पेंट की शॉप ओपन करने जा रहे हैं और आपकी शॉप डबल शटर की है, यानी जो आपका अपना फ्रंट है उसमें दो शटर लगे हुए हैं और आपके शॉप की, आपकी दुकान की जो गहराई है वो भी ज़्यादा है, उसमें आप बड़े लेवल पर पेंट का काम करने जा रहे हैं, तो आपको अपने यहाँ पर सीटिंग और सेटिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो आपकी अपनी दुकान है, आपने रेंट पे ली हुई है या आपकी अपनी है, वो हमेशा ही रोड के लेवल से ऊंची होनी चाहिए। आपके यहाँ जो बाहर रोड है, जो रास्ता है, वो टूटा हुआ, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपके यहाँ पर जो फुटपाथ बनी हुई है या आपके यहाँ स्टेप बने हुए हैं वो हमेशा ही साफ़ सुथरे होने चाहिए, वो भी टूटे हुए या उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए। आपके यहाँ पर स्टेप बने हुए हैं या आपके यहाँ जो फुटपाथ बने हुए हैं उसके ऊपर आप पत्थर लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वाइट कलर का पत्थर लगाएं या फिर आप यहाँ पर ब्लैक कलर का पत्थर लगाएंगे, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही पैसे आने के साधन बने रहेंगे, आपके यहाँ ग्राहकी का आगमन हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ग्राहक आपके यहाँ आएगा तो आपके यहाँ पैसे आने के साधन जरूर बनेंगे। इसलिए आप अपने यहाँ पर फ्रंट के भाग में या तो आप वाइट पत्थर लगाएं या ब्लैक कलर का पत्थर लगाएं। आपके जो शटर बनते हैं, क्योंकि आपके डबल शटर है तो बीच में आपका अपना एक पिलर है और एक पिलर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आता है और दूसरा पिलर आपका अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आता है और जो बीच का पिलर है वो नॉर्थ सेंटर में आता है। इसमें आपने शटर के ऊपर जो कलर करना है वो आपके यहाँ स्काई ब्लू कलर होना चाहिए। इसी के साथ जो आपके पिलर बनते हैं बाहर की ओर, नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ सेंटर का और नॉर्थ वेस्ट का, इनके ऊपर भी आपका स्काई ब्लू कलर ही आना चाहिए। अब मैं आपको अंदर का सेटअप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी दुकान डबल शटर की है और आपकी दुकान की लंबाई ज़्यादा है, उसमें आपने अपने यहाँ पर एक स्टोर भी बनाना है। वो स्टोर आपने अपने यहाँ पर बैक साइड में, साउथ साइड में बनाना है। यहाँ पर आपका अपना स्टोर बनेगा। इसमें आपने सामान की सेटिंग कैसे करनी है। आपके यहाँ जो कलर्स के बैग आते हैं, कलर्स के बैग का मतलब समोसम आपके यहाँ आती है, वाइट सीमेंट आती हैं, उनके जो कट्टे आते हैं वो कट्टे एक दूसरे के ऊपर लगकर उनकी ढेरी बन जाती है, उनकी ढांग बन जाती है, वो आपने कहाँ लगानी है। वो सारी की सारी ढांग आपने साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने लगानी है। इस हिस्से में आपके अपने कट्टे लग जाएंगे और इस हिस्से में जितने कट्टे आपके लगेंगे और जितनी हाइट ऊपर जाएगी आपके यहाँ हमेशा ही वर्किंग अच्छी बनी रहेगी। जब जब आपके यहाँ माल आएगा, क्योंकि आपके यहाँ जब भी माल आता है वो गाड़ी भर के आता है और आपके यहाँ से माल जो निकलता है, जो बैग निकलते हैं वो दो दो चार चार पाँच पाँच बैग करके निकलते हैं, जब जब आपके यहाँ
गाड़ी मालकी आकर यहाँ आपका स्टॉक रखा जाता है, तब तब आपके यहाँ माल की तेजी हो जाती है, आपके यहाँ सेल बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने इस हिस्से को कभी भी खाली ना होने दें। आपके अपनी पेंट की शॉप पहले से बनी हुई है, आप अपना काम कर रहे हैं और आपके यहाँ साउथ वेस्ट के भाग में स्टोर बना हुआ है या साउथ वेस्ट के कोना है, इस कोने में आप यहाँ पर बैग्स की स्टोरेज करते हैं, तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यहाँ भी सेल हमेशा के लिए प्लस हो जाएगी। यानी जब जब आपके यहाँ माल रखा जाएगा तब तब आपके यहाँ सेल बढ़ेगी। इसी के साथ आपके यहाँ एक एक लीटर के जो डब्बे आते हैं उनके पेटी बनकर आती है, वो पेटियाँ आपने कहाँ रखनी है, उसके लिए आपने जो रैक बनाना है वो रैक आपने साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक, और इस रैक को आप कंप्लीट साउथ वेस्ट तक ले जाना चाहें तो साउथ वेस्ट तक भी ले जा सकते हैं। इसमें जो आपने डब्बे रखने हैं वो फर्श से लेके सीलिंग तक यानी छत तक मिलाकर यहाँ पर आपने अपने स्टोरेज करनी है। आपके यहाँ जो पेंट की बाल्टियाँ आती है वो 10 लीटर की 20 लीटर की आती है, वो आपने कैसे रखनी है, वो आपने अपने यहाँ पर इस ब्लॉक में आपके अपनी बाल्टियाँ आ जाएंगी, जो आपकी पेंट की बाल्टियाँ आती है वो यहाँ पर आ जाएंगी, और बाल्टियाँ भी एक बाल्टी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी बाल्टी रखी जाती है। इस प्रकार आप यहाँ पर भी अपनी बाल्टियाँ पेंट की जरूर रखें। और जो रैक है साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक, फर्श से लेके सीलिंग तक, फ्लोर से लेके सीलिंग तक आपने इसको बिल्कुल भर के रखना है, ठोस करके रखना है। आपने अपने यहाँ पर काउंटर कहाँ लगाना है, आपने अपने यहाँ पर जो काउंटर लगाना है वो काउंटर आपने यहाँ पर आपका अपना काउंटर आएगा, और जो आपके सीटिंग है एक सीटिंग आपकी अपनी यहाँ पर बन जाएगी, दूसरी यहाँ आ जाएगी, और तीसरी आपकी अपनी सीटिंग यहाँ आ जाएगी। ऑनर इस सीट पर भी बैठ सकता है, इस सीट पर भी बैठ सकता है और इस सीट पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने अपने यहाँ पर जो स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज और डिस्प्ले आपकी वेस्ट वॉल पर आ जाएगी। यहाँ पर नीचे के भाग में आपकी हैवी स्टोरेज आ जाएगी, और ऊपर के भाग में भी आप हैवी स्टोरेज और डिस्प्ले करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ऐसे ही आपने साउथ वॉल पर यानी जो आपकी साउथ की दीवार है यहाँ पर आपकी अपनी हैवी डिस्प्ले और स्टोरेज आ जाएगी। यहाँ से आपने अंदर स्टोर में जाने का रास्ता बनाना है, और जो आपकी अपनी ईस्ट वॉल बनती है यहाँ पर आप यहाँ से लेके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक इस भाग में आप लाइट वेट डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपने लाइट वेट की डिस्प्ले करनी है, और जो आपकी साउथ वॉल है और जो आपकी अपनी वेस्ट वॉल है यहाँ पर आपने हैवी वेट की डिस्प्ले और स्टोरेज करनी है, और जो आपका अपना स्टोर है वो आपने मैक्सिमम भर के रखना है। आपके यहाँ रोलर रेगमार और ब्रशेस की पेटियाँ आती है वो आपने कहाँ रखनी है, वो आपने अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर भी एक अपना रैक लगाए और उनको यहाँ पर आप अपनी स्टोरेज करेंगे तो ये भी वास्तु के अनुसार अच्छा रहेगा। ये मैंने आपको रैक की सेटिंग के बारे में बता दिया, और आपने अपने यहाँ पर फर्श के ऊपर जो बाल्टियाँ रखनी हैं वो कहाँ रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने यहाँ पर कलर मिक्सिंग के लिए जो मशीन रखनी है वो मशीन आपने यहाँ पर अपनी मशीन रखनी है। एक रखना चाहे एक रख सकते हैं, और दो रखना चाहे तो आप दो रख सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर जो बाल्टियाँ डिस्प्ले के लिए लगानी है वो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जितनी आपके पास स्पेस है उसके हिसाब से आपकी अपनी स्टोरेज और डिस्प्ले यहाँ पर भी बाल्टियों की हो जाएगी, और ऐसे ही आपकी यहाँ पर भी आपके अपने बाल्टियों की डिस्प्ले आ जाएगी। और आप अपने यहाँ पर बाहर के भाग में वाइट सीमेंट या कलर्स के बैग रखना चाहते हैं तो वो बैग आप यहाँ पर इस हिस्से में आप अपने बैग रखें, और यहाँ पर आप अपने बाल्टियाँ रखेंगे तो आपको हमेशा ही रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे, आपके यहाँ हमेशा ही सेल अच्छी होगी। और ऐसे ही आप साउथ वेस्ट के भाग में साउथ की दीवार पर और वेस्ट की दीवार पर जितना भारी माल फर्श के ऊपर रखेंगे और जितना आप
सीलिंग तक माल को मिला कर रखेंगे, भर कर रखेंगे, उतना ही आपके यहाँ सेल अच्छी होगी। आपने अपने यहाँ पर जो पीने का पानी रखना है वो नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर रखना है। जब आपका अपना एरिया ये फुल हो जाए तो जो आपका ईस्ट का भाग है इस हिस्से में भी आप अपने यहाँ पर लाइट वेट का सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आपका अपना कस्टमर के लिए बैठने के लिए सिटिंग रखनी है, स्टूल रखना है स्टूल रख सकते हैं, और चेयर्स रखनी है आप चेयर्स रख सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मीटर लगवाना है वो आपने नॉर्थ वेस्ट के भाग में वेस्ट वॉल पर, यहाँ पर आपका अपना इलेक्ट्रिक मीटर रहेगा। आपने अपने यहाँ पर जो इन्वर्टर रखना है, इन्वर्टर आपने अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपना इन्वर्टर रखना है। वैसे तो आपका इन्वर्टर साउथ ईस्ट में एग्जैक्ट यहाँ इस कोने में आना चाहिए, क्योंकि आपका पेंट का काम है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इन्वर्टर लगाने के लिए मना करूँगा। आप अपना इन्वर्टर यहाँ पर लगाएं। आप अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपने एक बात का और ध्यान रखना है, आपने यहाँ पर जो फर्श की ढलान करनी है वो ढलान आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर, साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर, और ऐसे ही वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आपने फर्श की ढलान करनी है, स्लोप करना है। आप अपने यहाँ पर सीटिंग और सेटिंग इस प्रकार से कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ वर्किंग हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी, आपके यहाँ सेल भी अच्छी होगी, और आपका जो पैसा है उसमें आपकी अपनी बरकत भी होगी। अब मैं आपको एक मेन बात बताने जा रहा हूँ, आपने अपने यहाँ पर कैश ड्रॉर कहाँ बनानी है। कैश ड्रॉर ओनर के राइट हैंड पर, यहाँ पर आपकी अपनी कैश ड्रॉर होगी जो कि आपकी अपनी रूटीन में यूज़ होगी। ऐसे ही एक आपने कैश ड्रॉर वेस्ट की दीवार पर बनानी है जो कि आपकी ईस्ट की ओर ओपन होगी। आपके यहाँ जितने भी सेल्समैन आते हैं या आपने किसी भी व्यक्ति को पेमेंट देनी है तो वो पेमेंट आपने ईस्ट ड्रॉर से निकाल कर देनी है, क्योंकि आपके यहाँ पेंट का काम है, आपके यहाँ मोटी पेमेंट भी आती है, आज मोटी कलेक्शन इकट्ठी हो जाती है, तो आपने ईस्ट ड्रॉर से पेमेंट निकाल कर ईस्ट ड्रॉर में रखनी है, और यहीं पर आपने अपनी चेकबुक्स भी रखनी है। यहाँ से ईस्ट ड्रॉर से दिया हुआ पैसा हर व्यक्ति के यहाँ बरकत लेकर आता है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी रूटीन की ड्रॉर ये बनाएं, और किसी को पेमेंट देनी है तो वो ड्रॉर ये बनाएं। आप सभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल जरूर उठते होंगे। आप अपने किसी भी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो भी बनवा सकते हैं, और आप अपने यहाँ अपने साइट पर साइट विज़िट कराना चाहते हैं तो साइट विज़िट भी करा सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट के लेआउट पर वास्तु कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट का लेआउट बनवाना चाहते हैं तो लेआउट भी हमारे यहाँ से बनवा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें, और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।